हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान सोजत सिटी में गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर श्री नीलकंठ महादेव मंदिर संतोष आश्रम पर पूज्य गुरुदेव स्वामी चेतन गिरी जी महाराज के दर्शन के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। गुरु के दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं मंदिर में पूजन हवन रुद्राभिषेक भक्तों द्वारा सत्संग का कार्यक्रम व गुरु पादी का पूजन किया गया। वहीं गुरु पूर्णिमा पर गुरु भक्तों ने अपने गुरुओं को माला पहनाकर श्रीफल भेंट कर गुरु के दर्शन कर भक्तों ने आशीर्वाद ग्रहण किया। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए पूज्य गुरुदेव स्वामी चेतन गिरी जी महाराज इन्होंने ये कहा। जब ईश्वर भक्ति माने मानव जीवन की भलाई है, श्रेष्ठता है, तो वह ईश्वर भक्ति किस तरह मिले? ईश्वर भक्ति देखो भाई, ध्यान देने समझो कि ईश्वर भक्ति बिना गुरु प्राप्त नहीं रहती। बिना गुरु ईश्वर भक्ति प्राप्त नहीं रहती। जो लौकिक ज्ञान है, जिन लौकिक ज्ञान से अपने खुदरी उदर पूर्ति करा, परिवारों पालन पोषण करा, वो ईश्वर वो लौकिक ज्ञान भी बिना गुरु नहीं मिले। तो ईश्वर भक्तिर्बोध जिनमें मानव जीवन की भलाई है, श्रेष्ठता है, वो ईश्वर भक्तिर्बोध बिना गुरु किस तरह मिले? असंभव है। इन वास्ते क्योंकि यह श्रुति वेद कहता गुरु बिना ज्ञान कैसा। जो वेद आदि धर्म शास्त्र हैं उनमें कहते हैं भाई गुरु बिना ज्ञान नहीं है। यह श्रुति वेद कहता गुरु बिना ज्ञान कैसा, गुरु बिना ईश्वर भक्तिर्बोध नहीं, और ज्ञान बिना मुक्ति कैसे आवे तेरे ध्यान में। ज्ञान दे बिना ईश्वर भक्ति के बिना जीरो कल्याण नहीं है, मुक्ति नहीं है, उद्धार नहीं है। जागरूक टीवी के लिए राजस्थान सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।